हेलो फ्रेंड्स, मैं टॉप टैलेंट में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के भौतिकी विषय को शुरू करने जा रहा हूं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय है विज्ञान और मापन, और इसमें हम सबसे पहले विज्ञान के बारे में समझेंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की परिभाषा है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। और अध्ययन के सुगमता की दृष्टि से हम विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला भाग होता है भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिकल साइंस भी कहते हैं। दूसरा होता है जीव विज्ञान, जिसे हम लाइफ साइंस भी कहते हैं। भौतिक विज्ञान के बारे में आप जान लें, तो वह विज्ञान जिसमें हम निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उनकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो इन सब का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अर्थात जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन हो वह भौतिक विज्ञान है। दूसरे तरफ दूसरा है जीव विज्ञान, तो इसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, साथ में सजीव जैसे में सूक्ष्म जीव, जंतु, मनुष्य, इन सब का अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। पुनः हम भौतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन शास्त्र। हम इसमें भी यानी चूंकि यह भौतिक विज्ञान का ही भाग होता है, इसलिए हम इसमें निर्जीव वस्तुओं की बनावट, उसकी संरचना का ही अध्ययन करते हैं। इसके दूसरा जो पक्ष है जीव विज्ञान, उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। एक हो जाता है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बोटनी भी बोलते हैं, और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान, जिसको हम लोग जूलोजी बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों या सूक्ष्म जो भी पौधे होते हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। वहीं प्राणी विज्ञान में हम जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों, मनुष्य आदि का अध्ययन करते हैं। अब हम जानेंगे किसी वैज्ञानिक के काम करने का तरीका क्या है, वह कैसे अपने कार्यों को करता है, इसके लिए वह कौन कौन से नियमों का उपयोग करता है। तो इसके लिए हम आपको आगे बता रहे हैं जो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, और क्रमशः हम अभी तक जो भी बताए हैं उसको एक बार दोहरा दे रहे हैं। तो कृपया आप हमारे साथ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो आप देख रहे हैं हमने अभी जो आपको बताया है सबको बोर्ड पे पहले से लिख दिए हैं, और इसमें हमारा पहला पाठ का जो नाम है विज्ञान और मापन, अर्थात साइंस एंड मेजरमेंट, इसमें से हम पहले साइंस की व्याख्या कर रहे हैं, और इसलिए एक नंबर में विज्ञान यानी साइंस को लिए हैं। और साइंस की परिभाषा हम पहले आपको बता चुके हैं कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान अर्थात साइंस को पहले हम दो शाखाओं में विभक्त करते हैं। जो पहला भाग है इसका भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस, और दूसरा है जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस। भौतिक विज्ञान को हम दो भागों में बांट रहे हैं, भौतिकी और दूसरा होता है रसायन शास्त्र। भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री। इसमें हम चूंकि भौतिक विज्ञान में हम निर्जीव पदार्थों का ही अध्ययन करते हैं, तो इसलिए निर्जीव पदार्थों की संरचनाओं, उससे जो भी नए पदार्थ बनते हैं उसका अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरी तरफ आप जीव विज्ञान देख रहे हैं, तो जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस,
इसको भी हम अध्ययन के दृष्टि से दो भागों में विभक्त करते हैं, वनस्पति विज्ञान जिसको हम बोटनी बोलते हैं और प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। अब हम आपको जैसे बता रहे थे कि कोई भी वैज्ञानिक किसी परीक्षण के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करता है, तो इसके जो वैज्ञानिक विधि है वे पांच प्रकार के हैं, यानी पांच मुख्य इस विधि के अंग है, जिसमें पहला है घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण, दूसरा है संभावित कारणों का अनुमान लगाना, तीसरा है परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच, चौथा है जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, और पांचवा है आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में आवश्यक परिवर्तन करना। हमें उम्मीद है आप इसे भलीभांति समझ गए हैं, और हम चूंकि बोर्ड पर इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप इसे लिख करके याद भी कर सके। अब हम इसके अगले वीडियो में मापन के बारे में आपको इसी प्रकार विधिवत बताएंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ ये हमारे काम के लायक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि दूसरे छात्रों को भी इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।